जी तो मैक्रोज का टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया है भाई। सेकंड मैं आपको बता रहा था कि मिड टर्म का जो आपका पेपर था उसके सोल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास पेपर भी अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर वन आपसे ये कहा गया था कि आप क्या करें, एक फंक्शन बनाएं सेपरेट के नाम से। क्या बनाएं? एक फंक्शन सेपरेट के नाम से, उसे आप एक फ्लैट लिस्ट पास करेंगे, उसे आप आर्ग्यूमेंट में एक लिस्ट पास करेंगे। उस लिस्ट में नंबर्स भी हो सकते हैं, उस लिस्ट में सिंबल्स भी हो सकते हैं, और उस लिस्ट के अंदर मजीद जो है वो भी लिस्ट भी हो सकती है। कहा ये गया था आपसे कि आपने करना ये है कि आपने बेसिकली जो इवन नंबर्स हैं उनकी अलग लिस्ट बनानी है, जो ऑड नंबर्स हैं उनकी अलग लिस्ट बनानी है। तो इवन ऑड की लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आपको एक वेरिएबल लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट चाहिए होगी जिसमें इवन सेव करेंगे, एक दूसरी एम्प्टी लिस्ट होगी जिसमें आप ऑड नंबर सेव करेंगे। जस्ट एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ कार ऑफ एक्स इज इवन देन कॉन्स द वैल्यू ऑफ दैट एक्स वैल्यू ऑफ इनटू न्यू लिस्ट जो भी लिस्ट होगी। तो मैंने यहाँ ये सोल्यूशन साथ में पेश किया है, सेपरेट फंक्शन बनेगा एक, फंक्शन बना रहे हैं हम सेपरेट, आर्ग्यूमेंट है उसकी एक एक्स आर्ग्यूमेंट है। मुझे दो लिस्ट चाहिए, एक इवन की एक ऑड की, लोकल वेरिएबल बना लिया हमने। यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक नल नहीं होता लोग चलाते रहें। यहाँ क्या हो रहा है ज़रा हम उसको डिस्कस करते हैं। बॉडी में हम ये कह रहे हैं कि इफ इवन बी कार ऑफ एक्स, अगर कार ऑफ एक्स जो है वो क्या है, इवन बी है, तो उस कार ऑफ एक्स को कौन्स करवा दो किस में, इवन के अंदर, इवन वाली लिस्ट में उसको कौन्स कर दो। ठीक है। और अगर नंबर जो है वो ऑड है तो उसे किस में कौन्स कर दें, ऑड वाली लिस्ट के अंदर कौन्स कर दें, और एक्स को आप क्या करते जाएं, डिक्रीमेंट करते जाएं। अच्छा, अब इस एग्जांपल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब आप कॉन्सिंग करते हैं तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। जो आपको कॉल यहाँ पे गिवन थी एग्जांपल कॉल, उसमें कुछ ऐसा नहीं था, रिजल्ट जो है वो रिवर्स लिस्ट नहीं थी। ये वन है, ये सेवन है, सेवन के बाद जो नाइन है ये उसी सीक्वेंस में इस लिस्ट में आ रहे हैं। इसी तरह 842 भी उसी सीक्वेंस में आ रहे हैं। ठीक है। तो आप, मैं आपकी, आपने जो भी पेपर में सोल्यूशन इसे लिखा होगा, मुझे कंसर्न होगा लिस्ट से, आपने लिस्ट बनाई है या नहीं बनाई, उसका सीक्वेंस क्या है, वो चीज़ मैं जो है वो पेपर में मैं उस चीज़ को कंसीडर नहीं करूँगा। ठीक है। मुझे लिस्ट चाहिए, लिस्ट आपने बनाई है नहीं बनाई उसकी बेस पे मैं मार्किंग करूँ। अब लिस्ट जब रिवर्स हो जाती है तो आप उस लिस्ट को वापस जो है वो रिवर्स कर दें तो वापस वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। ऐसे ही है ना। इट मीन्स आप एक लूप बना सकते थे कि उसको दोबारा एक लिस्ट में काउंट कर दें तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में आ जानी थी, लेकिन चूंकि टाइम कम होता है तो शायद मैंने आपको क्लास में नहीं बताया था कि एक फंक्शन होता है बिल्ट इन रिवर्स का। आप उसे कोई भी लिस्ट पास करें तो वो उसे क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। उसको भी कॉल किया जा सकता था। तो मैंने यहाँ पे यही टेक्निक अप्लाई की है कि दो अलग अलग लिस्ट बनाई है, एक इवन की और एक ऑड की। ठीक है। और एंड पे जब वो लिस्ट क्या हो जाती है, एम्प्टी हो जाएगी। जब लिस्ट क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, तो मैंने ये किया है कि वो जो ऑड लिस्ट है उसको भी रिवर्स कर दो फंक्शन कॉल करके, और जो इवन लिस्ट थी उसको भी क्या कर दो, रिवर्स कर दो फंक्शन कॉल करके, और दोनों को एक लिस्ट में लेके जाना था तो एक फंक्शन अवेलेबल है लिस्ट के नाम से, जो लिस्ट बनाता है मैंने उसको कॉल किया। सो अगर आप सेपरेट कॉल करते हैं, सेपरेट कॉल करते हैं, अगर आप एक लिस्ट के साथ, लिस्ट है 1 2 3 4 5 6, तो जो मेरे पास लिस्ट आएगी वो क्या होगी, इवन ऑड नंबर्स की ये लिस्ट है और इवन नंबर्स की ये लिस्ट। क्वेश्चन नंबर वन ये कोई क्वेश्चन है, कौनस करना है ना, जब आपने कौनस करना है तो फिर आपने लिस्ट में कौनस करना होता है। जीरो जब आप करेंगे तो वो डायनामिकली ये इवन एक नंबर टाइप का वेरिएबल बन जाएगा, इंटीजर टाइप जिसको आप कहते हैं। जब आप लिस्ट असाइन करते हैं ये फ्री वेरिएबल स्कोपिंग होती है लिस्ट लैंग्वेज में, आप जो वैल्यू सेव करते हैं उसके मुताबिक वो वेरिएबल डिफाइन होता है। इसमें सर इवन की और जो ऑड की हमने की है उस वजह से इसमें जो सिंबल्स हैं उसको इग्नोर कर दिया। हाँ, मैंने तो सर इवन और ऑड नंबर्स को उठाना है ना, अगर सिंबल्स होंगे तो ऑब्वियस बात है वो इग्नोर होंगे।
ठीक है, हमने तो जस्ट सिंबल्स नंबर्स में से कौन से नंबर पिक करने, इवन और ऑड, बाकी तो वैसे भी कंडीशन वाइज फॉल्स हो जाएगा जी। नेक्स्ट, ये जो फंक्शन था ये थोड़ा सा ट्रिकी फंक्शन था, इसमें ये था कि आपने डुप्लीकेशन ऑफ नंबर बताना है, अगर इस लिस्ट के अंदर कोई एक नंबर भी डुप्लीकेट हो रहा है तो ये प्रोग्राम या ये जो फंक्शन है ओवरऑल क्या आंसर कर दे, यस, और अगर डुप्लीकेशन नहीं है तो ये क्या कह दें, बल्कि ये रिवर्स है, अगर डुप्लीकेशन नहीं है तो ट्रू दे, अगर डुप्लीकेशन है डुप्लीकेशन अगर है तो वो नील कह रहे हैं, अगर डुप्लीकेट नहीं है तो ट्रू दे जी। तो जो मैंने सॉल्यूशन यहाँ बेस किया था, एक्चुअली मैंने शायद रिवर्स कर दिया कि अगर जो डुप्लीकेट अगर वैल्यू है तो वो ट्रू आंसर करेगा, अगर डुप्लीकेट नहीं है तो वो फॉल्स कह रहे हैं। खैर, इसको चेंज किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, एक अब इस सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो आपको दो फंक्शन बनाने पड़ने थे, या फिर एक फंक्शन होता है मेंबर का, शायद हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया वो। मेंबर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको आप दो आर्गुमेंट पास करते हैं, मेंबर आप कहते हैं ये जो थ्री है ये मेंबर है इस लिस्ट का या नहीं, तो ये जो मेंबर है आपको क्या बता देगा, वो जो थ्री है वो बता देगा अगर है, यानी ये जहां वो वैल्यू मिलती है ना उससे ऑनवर्ड जितनी भी वैल्यूज हैं उनकी लिस्ट बना के दे देगा। सी यहाँ पे मिला था ना उसे, तो इससे ऑनवर्ड जितनी भी लिस्ट है वो सारी क्या करता है, ये रिटर्न करता है मेंबर। तो चूंकि ये आपने नहीं पढ़ा था तो इसके लिए फिर आपको कोई मैनुअली कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ना थी, या तो आप एक फंक्शन बना लें, इस तरह से फंक्शन हम बना सकते हैं ना। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपना मेंबर फंक्शन बनाना है, चले बना लेते हैं, कैसे बनेगा बताएं, डिफन नाम उसका रखते हैं हम माई मेंबर, कितनी आर्ग्यूमेंट्स होंगी, एक एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरी लिस्ट होगी। अच्छा बताएं क्या करना है, कौन सा लूप लगाएं, डू लिस्ट लगा लें। डू लिस्ट अगर लगाएंगे तो अब इसमें मसला ये है कि हमें कोई लोकल वेरिएबल खैर नहीं चाहिए, तो हम लिख लेते हैं डू लिस्ट, एक वेरिएबल है फॉर एग्जांपल एलिमेंट, एलिमेंट खैर हमने पहले लिया हुआ है तो मैं इसको वी कह देता हूँ, वी में लिस्ट का कार आएगा और प्रिंट क्या करना है एंड पे, रिकर्सिव तो नहीं है जी, नहीं अभी मैं फिलहाल ये बता रहा हूँ आपको कि आपने अगर जो मेंबर बिल्डिंग फंक्शन जो मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया उसके अगेंस्ट अगर हमने अपना एक डिफाइंड यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना हो तो वो कैसे होगा। तो अभी क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन तो अभी बात है, हमने रिकर्सिव भी करना, तो क्या करेंगे, रूल लिस्ट जो है यहाँ कोई ना कोई वैल्यू तो रिटर्न करनी पड़ती है, तो वो वैल्यू मुझे रिटर्न करनी पड़ेगी अब। चलें खैर देखते हैं जी, बताएं अब यहाँ क्या करें, इफ क्या जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वल है किससे, इक्वल एलिमेंट वी, अगर एलिमेंट वी के क्या है इक्वल अगर है तो क्या होना चाहिए, हम ऐसा करते हैं कि अगर वो हम मेंबर का बिहेवियर चेंज करें, मैं ये कह रहा हूँ कि एक फ्लैग है जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है नील है, और यहाँ पे मैंने बेसिकली फ्लैग को प्रिंट करवाना है, और अगर ये इक्वल है तो मैं कह रहा हूँ क्या करो, सेट क्यू वो जो फ्लैग वेरिएबल है उसको टी असाइन करो, यानी वो वैल्यू अगर उसका मेंबर है तो टी होगा अदरवाइज फॉल्स होगा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं आप, अगर इस मेंबर की बात करें तो ये जो थ्री है ये किस में कॉपी होगा, एलिमेंट में, और ये जो सारी लिस्ट है लिस्ट वेरिएबल में आएगी, मैं कह रहा हूँ वी में लिस्ट वेरिएबल का कार ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्या आएगा, ई आएगा। आप चेक करें कि क्या एलिमेंट जो है वो क्या है, वो है थ्री, वो वी के इक्वल है, वी क्या होगा इसका कार ई होगा, अगर इक्वल नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, अगर इक्वल है तो फ्लैग को क्या कर देंगे हम, ट्रू कर देंगे।
फ्लैग को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। अब मसला ये है कि अगर एक एक अब पॉसिबल है ना कि ये जो वैल्यू 3 है, आपने देखा यहाँ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और मे बी इसे ऑनवर्ड भी हो, तो मेंबर का मतलब है कि कोई एक वैल्यू पे मिल जाए तो स्टॉप कर जाना चाहिए ना, क्या कर जाना चाहिए हमें, स्टॉप कर जाना चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये इसके इक्वल है तो मैं लूप को ब्रेक कैसे करूँ, कोई टेक्निक है लूप को ब्रेक करने की? मैं अगर सेट क्यू करके इस लिस्ट को नील कर दूं, अब मसला ये है कि ये इफ की कंडीशन है, इफ की कंडीशन की बॉडी के अंदर एक सेट में लिखी जा सकती है, ये भी लिमिटेशन है एक, ठीक है ना, उसको कैसे हैंडल करेंगे, कंडीशन, जब आप कंडीशन लगाएंगे तो कंडीशन का क्लॉज भी आता है फिर, इफ इक्वल वी देन सेट क्यू फ्लैग दिस सेट क्यू लिस्ट नील, और भी कुछ करना है, वो तो सिर्फ डू लिस्ट का फ्लैग को प्रिंट हो जाएगा। हाँ सही है, अगर वो नहीं होगा इक्वल तो फ्लैग में जो है वो ट्रू नहीं आएगा और ना ही ये लूप जो है वो ब्रेक होगा, और अगर फ्लैग में ट्रू नहीं होगा तो इनिशियली उसकी वैल्यू नील है, अब जब नील प्रिंट होगी तो उसका मतलब वो मेंबर नहीं होगा। जी जो माय मेंबर फंक्शन है सर, ये एक दफा चेक कर रहा है जी, डुप्लीकेशन की तरफ ही जा रहे हैं। उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि चूंकि हमने मेंबर फंक्शन नहीं पढ़ा था, एक्चुअली उसमें यूज होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंबर, तो आपको फिर उसके लिए अपना एक मेंबर बनाना पड़ना था। अभी हम मेंबर की बात करें, डुप्लीकेशन तो बाद की बात, आपने अगर मेंबर यूज़ किया, मैंने कुछ लोगों को जिन लोगों ने मुझसे पूछा मैंने उनको बताया था अगर यूज़ किया मेंबर तो ठीक है, कोई इशू नहीं जी। तो 3 जो है उसका क्या है, मेंबर है, तो आंसर क्या कर रहा है, ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर ये 3 जो है, लेट्स मैं इसको जो है वो 33 कर रहा हूँ, 33 जो है वो मेंबर नहीं है तो आंसर क्या आना चाहिए, नील। तो आपने वो डुप्लीकेशन के लिए आप कुछ यूँ कर सकते थे कि पहले एक जो है वो मेंबर फंक्शन बना लेते जो हैंडल करता। अब मसला ये है, मसला क्या है, मसला ये है कि ये जो फंक्शन था डुप्लीकेट का, आपको क्या करना है, इस वैल्यू को सारी वैल्यूज के साथ वन बाय वन चेक करना है कि क्या ये उसका मेंबर है, यानी क्या ये वाली वैल्यू जो है इस लिस्ट, इससे ऑनवर्ड जो लिस्ट है उसमें कहीं एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो फिर ये मेंबर का ही बिहेवियर है ना, समझ रहे बात। तो मुझे क्या करना है, अब मैं जो फंक्शन लिखूंगा ना सेट पी, सेट पी, तो मैंने यहाँ ये सेट पी फंक्शन कॉल किया है, सेट पी एक आर्ग्यूमेंट है एक्स, एक आर्ग्यूमेंट क्या है एक्स। अब मसला ये है कि आपने अगर वो मेंबर है तो ट्रू रिटर्न करना है, अगर मेंबर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना है, तो मुझे एक फ्लैग वेरिएबल भी चाहिए जिसको मैंने क्या रखा है ऑप्शनल रखकर, जिसकी इनिशियल वैल्यू उसी तरह क्या रखी है मैंने, नील रखी। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जब तक एक्स नील नहीं है तब तक लूप चलाओ और फ्लैग को प्रिंट करना है एंड पे, फ्लैग में कोई ना कोई ट्रू या फॉल्स वैल्यू आएगी। यहाँ मैंने वो मेंबर यूज़ किया, आप चाहें तो आप यहाँ माय मेंबर कॉल कर लें जो रिसेंटली हमने बनाया। मैं कह रहा हूँ कि कार ऑफ एक्स अगर मेंबर है, किसका मेंबर है, रिमेनिंग का मेंबर, सीडियर एक्स का मेंबर है, तो क्या करो, अगर कार ऑफ एक्स रिमेनिंग का मेंबर है तो रिटर्न क्या करना है, ट्रू रिटर्न करना है ना, सेट पी ने क्या रिटर्न करना है, ट्रू रिटर्न करना है अगर मेंबर है तो। तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के इस फंक्शन को जब दोबारा कॉल किया तो एक्स की जगह क्या पास कर दिया, नील पास कर दिया, ताकि ये नेक्स्ट टाइम पे कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाए, ट्रू हो जाए, और जब ट्रू हो जाए तो फ्लैग की जो वैल्यू यहाँ पे मैंने सेट की है, फ्लैग की वैल्यू क्या सेट किया मैंने, मैंने टी पास कर दिया, टी किस में पास होगा, सेकेंड आर्ग्यूमेंट की जगह पास हो जाएगा, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट का मतलब फ्लैग है, उसको जानबूझ के ट्रू कर दी। अगर बात समझ नहीं आ रही तो आप यूँ लिख लें कि मेंबर कार ऑफ एक्स सी डी आर ऑफ एक्स सेट क्यू फ्लैग टी एंड देन कॉल सेट पी नील एंड फ्लैग जी। तो मेंबर नहीं पढ़ा इसलिए तो मैंने अभी फंक्शन बनवाया आपको, उस मेंबर का नाम एक्स वाई जी जो भी रख लें, वही लॉजिक, ठीक है, कॉल ना करें आप इसकी जगह पे, इसकी जगह पे वही जो मैंने अभी कोड लिखा है वो सारा कोड पेस्ट कर सकते हैं, वही लॉजिक यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, वो लॉजिक लगानी थी ना, पर्पज तो यही था, मकसद ये था।
बहुत मुश्किल है सर, इसमें थोड़े रिलैक्स की हाँ इसमें मैं रिलैक्स कर दूंगा आपको। उसकी रीज़न ये है कि सेम्बर का कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो अगर तो ऐसा है तो जो है वो ट्रू आए, अदरवाइज जो है वो क्या है, अदरवाइज हम कह रहे हैं सेट पी सी डी आर ऑफ फ्लैग साथ में वैल्यू पास करें, इसको देख लेते हैं हम। सेट पी ठीक है, फाइव रिपीट हो रहा है, अगर फाइव को मैं रिमूव कर दूं, सही है, इससे ऑनवर्ड जो है वो आसानी थे। ये तो बच्चों वाला सवाल है, एरिया कैलकुलेट करने आर्गुमेंट में जो वैल्यू आएगी उसको क्या करना है, पाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, स्केयर कर लेना है आपने बस। सेट क्यों करके किया, सेट क्यों कर लें, जैसे करना है वैसे कर लें, क्वेश्चन क्या दो दफा वैसे भी हो सकता है तो ये अब देखें वो सेट पी अगर मुश्किल था तो फिर उसके मुकाबले में ये क्या था, ये भी तो देखें, ये तो एक लाइन का कोड था। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट उससे भी इजी है, इसमें क्या करना था अगर आपको याद हो तो एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन शायद मैंने क्लास में कराया, लॉजिक और नहीं थी, यही थी जी। क्या अर्ज कर रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप, क्लास आप क्लास के नोट्स ओपन करें, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली ऐसे ना मिला तो पेपर में ऐसे होता है ना कि एक आधा वाला क्लास वाला आता है सारे तो नहीं आते। सर इसमें इसमें जो पार्ट इजीली आता था कि प्रॉपर्ली सेट करने का वो आपने ना वो ऑलरेडी इस क्वेश्चन में जो लॉजिकल क्वेश्चन था ना वो सिर्फ सेकंड वाला क्वेश्चन था इस पूरे पेपर के अंदर, ठीक है। बाकी जो तीनों क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट ये सेम एग्जांपल हम क्लास में कर चुके हैं, इवन नंबर सेपरेट करना, इवन नंबर प्रिंट करना, इस तरह की लॉजिक सारी हम कर चुके हैं। मैं अगेन बता रहा हूँ वो जो रिवर्स का इशू है मैं रिवर्स का इशू नहीं चेक करूँगा अभी, ठीक है, मेंबर में मैं आपको रिलैक्स कर दूँ इस वाले केस। लेकिन इसके अलावा बाकी पेपर अगर आपके हैं मुश्किल था ज़रा देख लें, इसको भी देखें। इसमें आपसे एक आ गया था कि स्टूडेंट की लिस्ट है, इनकी प्रॉपर्टीज सेट हुई हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या सेट हुई हुई हैं, सेक्शन वैल्यू सेट हुई हुई है, हर स्टूडेंट के अगेंस्ट प्रॉपर्टी सेट हुई हुई है सेक्शन की वैल्यू। आपको जो फंक्शन लिखना था उसको एक आर्ग्यूमेंट लिस्ट मिलनी थी जिसमें स्टूडेंट के नाम थे और फिर यहाँ पे सेक्शन की वैल्यू आनी थी। आपने ये करना था कि इस लिस्ट में से वो स्टूडेंट प्रिंट करने थे जिनकी सेक्शन की वैल्यू यहाँ गिवन होगी आर्ग्यूमेंट सेकंड में। सो फंक्शन जो बनेगा वो फंक्शन क्या होगा, एक आर्ग्यूमेंट होगा, सॉरी स्टूडेंट्स सेक्शन, और ये जो ऑप्शनल न्यू और निल है ये अगेन प्रॉब्लम वही है कि जब ये जो वैल्यूज आप कौनस करेंगे तो एक लिस्ट में कौनस करेंगे ना, तो ये जो लिस्ट मैंने यहाँ पे न्यू बनाई है और जिसमें मैंने नील रखा है, ये नील क्या है, इसमें आपने वो स्टूडेंट के नाम कौनस करवाना है, सही है। और यहाँ हम ये कह रहे हैं कि इक्वल कार ऑफ स्टूडेंट की प्रॉपर्टी सेक्शन गेट करो, अगर वो सेक्शन आर्ग्यूमेंट के इक्वल है तो क्या करो न्यू में उसको क्या करते जाओ, कौनस करते जाओ और साथ में एक रिकर्सिव कॉल भेजो, और ये डिफॉल्ट केस है। टोटल तो 20 लाइनें लिखनी थी पेपर सारे में। क्लास में अनाउंसमेंट हुई है कि आज खुदा याद आ गया आपको, इसको दे के जाना चाहता है चले जाए 15-20 मिनट के उठ के चले।